नमस्कार दोस्तों, कल शाम को अतुल प्रसाद जी द्वारा एक ट्वीट किया गया था। उसमें कहा गया था अभ्यर्थियों के लिए कि भैया घबराइए नहीं, आप विश्वास कीजिए, नहीं कीजिए, आपका रिजल्ट बन रहा है, हम लोग आप ही के रिजल्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, और पूरा पूरा जो है ना 1634 को मेघा सूची को हम लोग को जारी करना है। 1634 एक बार PDF मारेगा 1634 वो 1634, यानी कि उसके लिए हमको टाइम लग रहा है। इसीलिए आप लोग पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आपका रिजल्ट जरूर आएगा। इस प्रकार का ट्वीट किया गया था अतुल प्रसाद जी के द्वारा। दोस्तों ये ट्वीट का सिलसिला अतुल प्रसाद जी का अब फिर से स्टार्ट हो गया है। पहले नोटिस जारी होता था, ट्वीट पहले होता था, खूब ट्वीट होता था, मार ट्वीट होता था एग्जाम से पहले, रोज 2-3 ट्वीट। उस ट्वीट के चक्कर में अतुल प्रसाद जी का फॉलोअर देखिए कितना बढ़ गया, खूब फॉलोअर बढ़ गया ट्वीट से। रोज इसीलिए और ट्वीट मारते थे कि और फॉलो बढ़ेगा। अब फिर से शुरू हुआ, बीच में गायब था, एग्जाम जब हुआ उसके बाद रिजल्ट आने का बीच में था, तो कुछ दिन ट्वीट मारे हुए थे, लेकिन अब फिर से लग रहा है कि ट्वीट जाना शुरू हो जाएगा। एग्जाम रिजल्ट जब तक ले नहीं मिलेगा तब तक ले ट्वीट आपका आते रहेगा, अब फॉलोअर जो बढ़ते रहेगा। ठीक है, बात अब करते हैं क्या कि 1634 मेधा सूची के बारे में, उसके बाद करते हैं कि वो जो 43x38 क्या था, 38 क्या था। तो सुनिए, पहले एक एक करके हम लोग क्लियर करते हैं कि देखिए 43 को अगर 38 से गुना करते हैं तो वही है 1634, यानी कि वही चीजवा को जो है 43 और 38 का मतलब हो गया। 43 38 आप करने का मतलब और भी निकाल सकते हैं कि 43 को कहूँ पुरुष के लिए कटअप होगा, 38 जो हो महिला के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका जो है महिला का अलग से एग्जाम लिया गया था, पुरुष का अलग से लिया गया था, इसीलिए आपका जो है मेरिट, इसीलिए अलग अलग जो है मेरिट तैयार हो रहा है। ठीक है ना, तो 1634 जो है मेरिट लिस्ट तैयार हो रहा है, इसीलिए समय लग रहा है, इसीलिए पेशेंस रखा जाए। अब बात करते हैं कि अब ये जो मेरिट लिस्ट जो बन रहा है उसके बाद कैसे उच्च माध्यमिक में कितना विषय पर बन रहा है, माध्यमिक में कितना विषय पर बन रहा है, प्राथमिक में कितना बन रहा है, सभी के बारे में हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। और रिजल्ट जो है कब तक चला आएगा इसका भी बात इसी वीडियो में होगा, फाइनली बात। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि मेधा सूची जो बनेगा 1634 बनेगा, बात क्लियर हो गया। BPSC ने क्या किया है कि 38 को जिला में अलग अलग मेधा सूची जारी करने का जो है फैसला लिया है, यानी कि बिहार के 38 जिला में अलग अलग मेधा सूची जारी करने का जो है फैसला लिया है। बहुत अच्छी बात है, अलग अलग जिला में ले जा रहा है। उसके बाद उच्च माध्यमिक में जो है 30 विषयों पर अलग सूची तैयारी करी जाएगी, 30 विषयों के लिए जो उच्च माध्यमिक जो है 10+2 है उसके लिए क्या किया जाएगा, 30 विषय का जो है मेधा सूची जारी करना है। ठीक है, उसके बाद माध्यमिक में चले आइए तो 10 विषयों पर मेधा सूची जारी होगा। अब उसके बाद आप आ जाइए प्राथमिक में तो 3 मेधा सूची जारी हो रहा है, और तीनों जो मेधा सूची जो जारी होगा कैटेगोरी वाइज होगा, आरक्षण वाइज होगा, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और सब कुछ अगर सही रहा, कहने का मतलब अगर टोटली अगर पूरा एकदम सही गया, हर चीज़ सही रहा, तो समझ जाइए कि 15 से लेकर 17 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये कहा जा रहा है BPSC के द्वारा। भल कहा गया था कि लेकिन इतना है कि रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा, लेकिन जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगा आपको 26 के बाद ही जाना पड़ेगा। उसका डेट अभी निश्चित नहीं किया गया हुआ है, अभी उसका डेट विस्तारित 26 तक किया गया हुआ है, 26 के बाद देखा जाएगा कब से हो रहा है। तो फिर उस दिन से विस्तारित कर दिया गया तो समझ जाइए कि अगले महीना टपा देगा, है कि नहीं है। तो चलिए आपको एक दो चीज़ और जानकारी देते हैं। BEd वाला का जो है ना, BEd वाला का मुद्दा फिर से कैंसिल हो गया है, BEd समझिए फाइनली ख़त्म हो गया है। अब 8 लाख जो भर्ती हुआ था अब समझिए 4 लाख पर आ गए हैं, अब 4 लाख पर ही सब कुछ को DLED वालों को ज्वाइनिंग करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार कमेंट कीजिए, नहीं तो लाइक कीजिए, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाएगा, बनाते रहेंगे।